जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, आपने भी कोई कार्य यदि हाथ में लिया है और वो कार्य अभी तक अधूरा है, तो ये उपाय आप एक बार अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके मन की जो कोई भी इच्छा होगी या आपका जो कोई भी कार्य अधूरा रह गया होगा, इस उपाय को करने से आपका वो कार्य और आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि आपका अपना कोई आपसे दूर चला गया है, तब भी आप इस उपाय को कीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति भी आपके पास में लौटकर जरूर आ जाएगा। आपको इस उपाय में यह करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, या आपका अपना कोई आपसे दूर चला गया है, तो उसको आप संपूर्ण रूप से सर्वप्रथम पहले आप अपने मन में संपूर्ण निर्धार कर लें कि हाँ, यह चीज आपको चाहिए। संपूर्ण रूप से पहले आप भली भांति एक जगह बैठ जाएं और आप यह पहले निर्धारित कर लें कि यह वस्तु या यह व्यक्ति आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। इस चीज की पहले श्योरिटी कर लीजिए कि हाँ, इसके बिना आपको नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यह चाहिए ही चाहिए। इस तरह का सबसे पहले अपने आप में एक मक्कम निर्णय कर लें कि यह मुझे करना ही है। इसके बाद आप इस क्रिया को प्रारंभ करें। इस क्रिया को आपको प्रारंभ करना है अमावस्या के बाद से पूर्णिमा के बीच में। आप कभी भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या तक आप इसको प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। आपको इसको प्रारंभ करना है अमावस्या के बाद से, कभी भी आप कर सकते हैं, और पूर्णिमा तक आप इसको कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपके घर की जो कोई भी पूर्व दिशा है, आपके घर की पूर्व दिशा है, वहां की एक दीवार का आपको चयन कर लेना है कि जहां पर आप इस क्रिया को कर सके, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आपका मन लगे, ऐसी जगह का आपको चयन कर लेना है। और जो आपकी इच्छा है उसकी आपको एक तस्वीर ले लेनी है। जैसे यदि आप चाहते हैं कि आपको कहीं पर मकान लेना है, या आपको कोई गाड़ी लेनी है, या आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं, कुछ लोग विदेश में स्थायी होना चाहते हैं, तो कहाँ चाहते हैं, ऐसा कुछ भी जो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सके, ऐसी कोई चीज आपको लेनी है। यदि ऐसी कोई भी वस्तु आप नहीं ले पाते हैं या आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको क्या करना है, उसका नाम लिख लेना है। जो भी वस्तु आपको चाहिए उसका आपको लाल पेन से सफेद कागज पर नाम लिख लेना है। और आप जब भी, जो पूर्व की दिशा मैंने कही है, उस दीवार पर आप पालथी लगा करके बैठ जाएं और आपकी नजर के सामने रहे, इस तरह से आप उसको लगा दीजिए। समझ गए? आपको पूर्व की दिशा की तरफ मुख रखना है। उस दीवार पर आप जो चाहते हैं उसकी तस्वीर या उस को प्रदर्शित कर सके, ऐसा नाम लिख करके आप उस दीवार में चिपका दीजिए।
अमावस्या के बाद से पूर्णिमा के दिन किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। सूर्योदय के समय पर आपको स्नान वगैरह नित्य कर्म से निपट करके इस क्रिया को करना है। आप पीले या लाल आसन में बिठा करके आप बैठ जाएं, पीला या लाल आसन आपको लेना है और उसको बिछा करके आप बैठ जाएं और एक दीपक जला लें अपने सामने और आपको इस मंत्र को बोलना है, ओम सर्वदात्री महामाया मम इच्छित कार्य पूर्ण करोति। ओम सर्वदात्री महामाया मम इच्छित कार्य पूर्ण करोति। इस मंत्र को आपको बोलना है, आपने जो कोई भी तस्वीर लगाई है या नाम लिखा है उसको लगातार देखते हुए, पलक झपक जाए कोई बात नहीं है, आपका कंसंट्रेशन उसी पे रहना चाहिए और मन में इस मंत्र को बोलते रहें। आप मन ही मन भी बोल सकते हैं और लाउडली भी बोल सकते हैं, ओठ हिला करके भी बोल सकते हैं। आपका जिस तरह से कंसंट्रेशन टूटे नहीं, इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली इसको बोलना है। कितनी देर बोलना है, 15 मिनट बोले, 20 मिनट बोले, 25 मिनट बोले, जितना आपके पास में समय है या जब तक आपका उसमें मन लगता है तब तक आप इस कार्य को संपूर्ण मन लगा करके करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इस तरह का परिवर्तन आने लग जाएगा, इस तरह की घटनाएं घटने लग जाएंगी कि आपके और आपकी इच्छित जो भी चीज है उसके बीच का अंतर काफी कम हो जाएगा और जैसे जैसे आप इसको नित्य करते चले जाएंगे आप उस चीज को पा लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान उपाय है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन की इच्छा पूरी हो ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।